कि फर्दर लोगों की जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए। स्कूल पे हमने हर छात्र वहाँ पर तस्वीरें हमारे पास हैं, आपको मुलाजा भी करवाई जा सकती है कि हर छात्र पे जो हमने नोटिस किया चार सतह हैं उसके, और हर छत पे 8 इंच से लेके 1 फीट तक उसे कम्पैक्ट किया गया। यानी ये छत है, ज़मीन पे तो आप ये काम करते हैं, पर इसके लिए आप इस छत पे भी, उससे ऊपर वाली छत पे, उससे ऊपर वाली छत, ये काम क्यों आप कर रहे थे? उसके अलावा आए रोज़ आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं अर्थक्वेक के, और मुख्तलिफ बातें थी। उसी दिन हम एक नीचे कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, आप भी मेरे हले बहुत सारे हजरात उसमें मौजूद थे, कि ये डैम का जो पानी रेज कर रहे हैं इसकी क्या रीज़न है, और क्या इसकी जो स्टडीज़ हुई थी वो कंडक्ट हुई थी या नहीं हुई थी। इन सारी वजूहत को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की जानब से एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही जनाब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर कुरैशी साहब कर रहे थे, और उनके साथ इंजीनियर शहजादा साहब थे जो एक्सिम बिल्डिंग है यहाँ पे, क्योंकि तो ये टेक्निकल हैं। और इन्होंने फिर उसके दौरान उस मीटिंग में, उस कमेटी में मैंने भी हैसियत मेंबर इनके साथ रहा, और इन्होंने जो भी टेक्निकलिटीज थी विजिट भी किया, सारी चीज़ें देखी हैं, और क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं, और फर्क क्या जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी क्या रीज़न हुई है, उसका क्या मसला था, क्योंकि वो टेक्निकल बात तो कुरैशी साहब भी जानते हैं और इंजीनियर साहब जो एक्सिम साहब हैं, उस हवाले से ये मुख्तसर ब्रीफिंग देंगे आपको। और फिर जो रिकमेंड किया है जो हमारा शहर है कि फर्दर लोगों की जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, वो भी आपको बताएंगे, और फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी आंसर करेंगे। फर्दर इसके ऊपर ब्रीफिंग के लिए जनाब ऐसी साहब, कोई और रीज़न नहीं है, कोई धमाका नहीं है, धमाके के पुलिस वाले, शहरी दफा वाले हमारे साथ थे। एक्सप्लोजन मीन्स एक्सर्शन ऑफ प्रेशर टुवर्ड्स आउटसाइड, ये एक्सप्लोजन इस तरह की, खुदा ना खास्ता धमाके के केस में ये चीज़ें बाहर की तरफ प्रेशर से बाहर जाती हैं, और ये बहुत छोटा सा 250 ग्राम का भी है, खुदा ना खास्ता हुआ होता तो फिर कोई चीज़ नहीं बची, और एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स को भी नुकसान होना था, सब वो वास्ट एरिया पे निकल रहा है। फिर उसके ट्रेसिस होते हैं, बारूद के ट्रेसिस हैं, उसके साथ आग, स्मोक, धुआं, स्मेल उसकी जो फौरन पहुंचे, ऐसी साहब फौरन पहुंच गए थे, डीएसपी साहब फौरन पहुंच गए थे, हमको मैं बाद में भेज सकती हूँ, लेकिन उन्होंने पुलिस वाले भी, शहरी विभाग वाले मेम्बर हैं हमारे साथ, वो भी फौरन पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि हमें भी किसी किस्म का कोई ट्रेस नहीं है। बिल्कुल ये बिल्डिंग अपने उस वजह से कि ऑलरेडी वो कमज़ोर रहेगा, ये इसने ठीक ही है, आशिक करेगा, आशिक कोई ड्राफ्ट प्लानिंग नहीं है, एम एस सी स्ट्रक्चर डिज़ाइन का नक्शा अगर डिज़ाइन उसने कर भी दिया तो एम डी ए में उसको वेटिंग या वेरीफाई को नहीं करेगा, आशिक साहब कर से वो कर कुछ भी मार्सन तक पास हो गया। 21वीं सदी में हम बैठे हैं, याद रखें कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, सिटी है, हम इस्लामाबाद कौन सा दूर है, जितनी प्राइवेट या सरकारी ऑप्शन सोसाइटी या स्कीम उनके आप बाई लाज और कोड्स देख लें, वो नहीं हिलने देते जितना मर्जी बात से, आपकी रिकमेंडेशन ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एमडीए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एमडीए के, एमडीए दोनों इनके अप्रूव्ड जो नक्शे हैं वो इनक्रेडिबल हैं, दुकानदारी तो ये है कि उन पर बैन होना चाहिए कि रियाज या बूटा जैसे बंदे के चीज ये चेक करें, इंतजामिया अथॉरिटी चेक करें कि उनको बैन होना है, आप जो काम नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हैं, आप तो काम ही नहीं, आपका आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम नहीं कर सकते। इस इंसिडेंट की बेसिक कॉज आपकी कंक्लूजन ये है कि ये सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन थी, अनडिजाइन छत 8 इंच मेरे हिसाब से होनी चाहिए, 5 इंच 6 इंच कॉलम
सर ये आर्ट सेक्शन में वो भी डिजाइन तो बेसिकली आता है ना, बेसिक जब पूर कंस्ट्रक्शन वो होगी जब 10 सरिये डले हैं इन्होंने दो डाल दिए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल ठीक था, क्वालिटी ऑफ मटेरियल था वो ठीक था, लेकिन जो था कि रिक्वायरमेंट क्या है कितना होना चाहिए वो डिजाइन जो होता है ये डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन और उसका है डॉक्टर, और अगर आपको डॉक्टर ही नहीं बताता आपको बीमारी क्या है कितनी दवाई देनी है रप्चर वो ये हुआ ना कि आपने एक्सपर्ट्स करते हैं तो ये है कि आप तो बन गए, नए बनने वाले पे हमारा ये है कि अदारों को उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह के अदारे ये प्रॉपर कॉम्पिटेंट लोग स्ट्रक्चर डिजाइन को समझने वाले वो स्ट्रक्चर डिजाइन की पाबंदी हो जाएगी, इसके अलावा नक्शा पास होने का समय ही ना, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो जो भी है वो सीज़मिक जोन के हवाले से प्रोफेशनली डिजाइन करें स्ट्रक्चर डिजाइन, वो साथ लगेगा तो पास होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, निगरानी कोई नहीं है, कभी हम सारे कानून को ही हम ये कर वो आते हैं क्योंकि आगे एक थोड़ा सा करके पैसे जैसे लेके चले जाते हैं, उनका काम ही होता है इंस्पेक्टर्स का कि वो जो डिज़ाइन साथ लगा हुआ उसके मुताबिक बन रही है, हमने बन रही बिल्डिंग कोड्स फॉलो हो रहे हैं, शुमार एक्टिविटीज है बेशुमार, मैं अगर उसकी मैंने रिपोर्ट में तफसील से जिक्र किया आपके लिए भी आपको उसकी भी शायद आपको मिल जाएगी कि हमारे नज़दीक किसी भी इमारत में हम यहाँ बैठे हैं तो इसके कुछ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो नॉन स्ट्रक्चरल में ये सीलिंग है ये फ्लोरिंग है ये पर्दे हैं खिड़कियाँ हैं पैनलिंग वीडियो है, तो उसमें अगर आप किसी इंजीनियर को इन्वॉल्व नहीं करते तो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की हद तक कोई जायका नहीं होता, लेकिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं इसकी छत है इसके बीम है अगर कॉलम है यानी पिलर जिनको कहते हैं वो है दीवारें हैं फाउंडेशन है ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इनको छेड़ना नहीं चाहिए अनलेस के कोई डिज़ाइनर जिसने वो बिल्डिंग डिज़ाइन की है या वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी और इंजीनियर डिग्री होल्डर इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसने सिविल में डिग्री की हुई है उससे आपने ओपिनियन लेनी है राय लेनी है, आप में से बेशुमार लोग हम सारे मणिपुर के रहने वाले हैं हमारे रिश्तेदार इंग्लैंड में वहाँ आपको हमारे रिश्तेदार कहूँगी वो ये है कि ये बिल्डिंग भी हमारी बाकी इमारतों की तरह अनडिज़ाइन है, इसको किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिज़ाइन नहीं किया, एक आर्किटेक्ट जो रियाज अपने आप को क्लेम करता है कि मैं आर्किटेक्ट अगर ये बिल्कुल हमें तो उसका भी सबूत नहीं मिला तो वो ग्रेजुएट आर्किटेक्ट है वो तो डिप्लोमा होल्डर टाइप बनता है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि बिल बस वो आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट का कंसर्न जो है वो ब्यूटिफिकेशन की हद तक है एस्थेटिक बिल्डिंग का तल्लक है उसका उसका बिल्डिंग की सेफ्टी के साथ भी तल्लक है, आर्किटेक्ट ने आपको प्लान दे उसको डिज़ाइन करेगा स्ट्रक्चर इंजीनियर, इस केस में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें कोई क्लू नहीं मिला बल्कि ठेकेदार ने ये कहा कि हमने सरिया भी यही साहब आ छतों पे हमने हर छत वहाँ पे तस्वीरें हमारे पास हैं आपको मुलाजा भी करवाई जा सकती हैं कि हर छत पे जो हमने नोटिस किया चार छतें हैं उसमें हर छत पे 8 इंच से लेके 1 फिट तक उसे कम्पैक्ट यानी ये छत है ज़मीन पे तो आप ये काम करते हैं फर्श के लिए आप इस छत पे भी उससे ऊपर वाली छत पे उससे ऊपर वाली छत ये काम क्यों आप कर रहे थे।